धुआं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हेलो यार, इतना अच्छा मौसम है, ठीक है, मेरा दांत निकल जाएगा उसके बाद कैसे होगा ये सब। हम पहुंच गए हैं बट कढ़ाई खाने के लिए और इट्स नोन फॉर द देसी मुर्गा, बट इनका मटन भी काफ़ी फिट होता है। तो अभी जो है वो अंकल कटवा रहे हैं हमारी मर्जी का गोश्त। आकिब क्योंकि मटन नहीं खाता तो उसके लिए मुर्गी कट रही है। ये हमारी रान यहाँ पे पड़ चुकी है, उसने करके पीसेज होने और फिर ये जानी है वहाँ पे तैयार होने के लिए। वहाँ हम जाएंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे थोड़ी कटिंग चॉपिंग करवा लें अपनी गोश्त की। अब हम जाके अपना व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। गोश्त कट गया है, गोश्त लगा है धुलने। ओए 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 ग्रीना, ये जी गोश्त की होने लगी है सफाई। हाँ जी, किन्ना कोई गोश्त है अंदर ही पता होना है, मेनू की पता। यहाँ पे जी गोश्त जाता है कुकर में, कुकर से उधर। कुकर में बनना जरूरी है वरना तो बहुत टाइम लग जाता है। चिकन वाली स्पाइसी कर दे और काली मिर्च पे कर दे तो लार में बट ठीक है। ब्रॉथ तो नहीं है, अदरक वाला पानी और घुमा फिरा के ढक्कन बंद। कितनी देर बाद खोलोगे ढक्कन? ठीक हो गया। दिस इज व्हाट बट इज नोन फॉर। अभी स्टेशन क्योंकि फुल है तो ये एक छोटी कढ़ाई में निकल रहा है एंड यहाँ से वो जाएगा। स्टॉक हो गया है वो नीचे। एक बहुत जरूरी बंदे से मिलाते हैं। साडा इंटरव्यू तो पाइए ना सी। कितने साल हो गए ने तुहानू इधर? इधर हो गए मुझे तकरीबन 18-20 साल हो गए। 20 साल हो गए तो इसको कितनी टाइम हो गया बट कढ़ाई? 10 साल हो गए। अच्छा, तो आप पुराने वाले से इधर हैं? मैंने ही करवाई थी। क्या बात है, ये टेंपल रोड ब्रांच है और हमारे साथ हमीद साहब हैं। आपने इधर आना है तो बस पहुंच जाना है हमीद भाई के पास A1 सर्विस के लिए, ठीक है? टेंपल रोड बट कढ़ाई हमीद साहब। ये थोड़ी मटन 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 और साथ में चिकन भी आ गया है। रोटियां भी ले आना और वीडियो जैसे बनती है। क्या कर रहे हो?